अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 फरवरी से ता 1 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 21 से 28 फरवरी आपके ताले में रहते हुए हालात में काफी हद तक बेहतरी लाने और आपके रुके हुए मामला जो इल्तवा के शिकार थे या किसी वजह से पेंडिंग हुए हुए थे उनका दोबारा से आगाज करने के साथ साथ आपकी सोच जो है उसको खासा मुस्बत और पॉजिटिव बनाने में आपका साथ दे सकेगा। 23 फरवरी को जोरा मरीख करान के वजह से आपके घरेलू आपकी तवज्जो जो घरेलू तजीन आराइश की तरफ बढ़ सकेगी, जबकि सेहतमंद जो है वो तफरी से भी आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 26 और 27 फरवरी को मरीख जोर तसलीस की वजह से आप अपने जज्बात और गुस्से पर जो है वो काबू रखने में शायद थोड़ा सा फेलियर हो जाए, लेकिन आपको कामयाबी जो है वो इख्तियार करना है, यानी कामयाब रहना है, इनको काबू में रखना है, वरना ये जो सूरत हाल है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है और इसमें डेफिनेट आपकी जो इनरली या खुदादाद जो सलाहियतें हैं कुछ ऐसे मामलात के लिए वो ग्रो अप होंगी, बढ़ेंगी, लेकिन आपको उनसे खुद काम लेना होगा। जिंदगी में आपको थोड़ा डिसिप्लिन इख्तियार करना होगा, वरना आपके जो मामलात हैं यकीन वो मंथ के अंजाम तक पहुंचाने के लिए या उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो शायद थोड़ा सा कमजोर रह जाए और उसमें प्रॉपर जो आप चाह रहे हैं उस हद तक आपको नतीज ना मिल पाए। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए आगे बढ़िएगा, यकीन कामयाबी आपको मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 फरवरी को अपने मातहत काम करने वालों की निगरानी कीजिएगा, वरना उनकी गफलत जो है वो आपके लिए कोफ्त का बाइस बनेगी, थोड़ा इरिटेट होंगे आप। और इसके साथ साथ आपके जो शराबती मामलात हैं दूसरों के साथ जो जॉइंट वेंचर आप कर रहे हैं और यकीन उसको भी थोड़ा आपको केयर करना होगा, एहतियात करनी होगी। 24 फरवरी को शादीशुदा अफराद को चाहिए कि वो एक दूसरे पर अपने एतमाद का जो रिश्ता है उसको बहाल करें और इसके अलावा दोनों मिलके बाकी जो उनके जो सराउंडिंग में अहबाब हैं कि दोस्त यार हैं या आपकी फैमिली से हैं कुछ उनके मामलात में अगर कोई दखल अंदाजी कर रहे हैं तो उससे उन दोनों को मिलकर रोकना होगा मियां बीबी को, वरना उनके मामलात गड़बड़ हो सकेंगे। 25 फरवरी को अहम उमूर में सोच समझ कर मशवरा कीजिएगा और अगर मुमकिन हो सके तो अपने बुजुर्गों से जरूर मशवरा कीजिएगा। 26 फरवरी को कोई बैरून मुल्क आपका सफर जो है वो हो सकता है, सामने आ सकता है या आप कोई ऐसा सफर इख्तियार करने की प्लानिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसी सफर की वजह से आपका हल्का अहबाब भी यकीन वो एक्सपेंड होगा, उसमें फुर्सत पजीर हो सकेगा। 27 फरवरी को किसी पुराने दोस्त से मुलाकात का इम्कान जो है वो खासा नुमाया है तो इसके साथ आपकी जो इल्मी अदबी और समाजी की मसरूफियात है उनमें भी यकीनन रूटीन से बढ़ के जो इजाफा हो पाएगा। 28 फरवरी को आपका जो अपने मुखालफीन पर जो आपका गलबा है वो यकीनन बढ़ सकेगा जिससे आपकी पोजीशन बेहतर हो सकेगी। 1 मार्च को आपको खास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ ना हो और ये ड्यू टू डाइट भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके सादा असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब होंगे वो 27 और 28 फरवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 23 फरवरी को जोरा मरीख करान की वजह से आपकी जो रोमांस की और सलाहियतें वो बढ़ेंगी, तखलीकी उमूर में आपकी दिलचस्पी और तवज्जो बढ़ने की वजह से आपको फायदा हासिल हो सकेगा, जबकि सेहत के मामलात जो हैं उनमें भी कुछ मुफ्त मशवरे मिलेंगे और बड़ी आसानी से आप उनमें तब्दीली करके अपने आप को बेहतर बना सकेंगे और आपकी इसकी वजह से जो आपके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा दूसरों के लिए अट्रैक्शन पैदा होगी वह यकीनन आपके लिए आपकी खुशी का बायस बन सकेंगे। 24 और 25 फरवरी को जोरा जोहल तसलीस की वजह से आपके अंदर जो है वो डिप्लोमेटिक कुछ खसूसियात या खूबियां जन्म लेंगी और अगर उनको आप ब्रुवेकार लाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे या उनसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन खासे आपके फैसले भी खासे पॉजिटिव रहेंगे और बहुत से अहम कारोबारी अमूर हैं वो तय करके आप फायदा भी उठा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 फरवरी को आप बासर जो अफराद हैं
यार अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर अरबाब इख्तियार के साथ आपकी मुलाकातें हो सकती हैं 24 फरवरी को। अपने अखराजा आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है, लेकिन आपको इसराफ से यानी फजूल खर्चे से गुरेज करना होगा। 25 फरवरी को शरीक हयात या शरीक कार जो है आपका यानी लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ जो आपके जारी मामला है उन्हें कोई गलत फहमी जो है वो जन्म ले सकती है, बी केयरफुल। 26 फरवरी को किसी कानूनी मसले में अगर आप उलझ जाएं या खुदा न खास्ता ऐसी सूरत पेश आ जाएं तो यकीनन आपको फौरी तौर पर अपने वकील से या अपने कानूनी मशीर से रब्ता करना चाहिए। 27 फरवरी को ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहिएगा और अपने आप को गुस्से से दूर रखिएगा, क्योंकि बलावजह अगर गुस्सा आ गया तो फिर ड्राइविंग में गुस्सा आना नुकसान का बाइस बन सकता है। 28 फरवरी को जल्दबाजी में आप कोई भी अहम फैसला करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 1 मार्च को कोई तयशुदा बैरून मुल्क जो आपका सफर है या आप प्लान कर रहे हैं या प्लान हो सकेगा जाना, ये तीनों सूरत हाल हो जाती हैं कि आपने पहले से प्लान किया हुआ तो उसको सफर को आप उस वक्त अमली तौर पर इख्तियार कर सकेंगे, और अगर आप कुछ नहीं है तो शायद मनसूबाबंदी हो जाए और या सडन दोनों काम भी हो सकते हैं, और ये बात है 1 मार्च की। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके साथ साथ के हाल 23 और 24 फरवरी, जबकि मनफी असरात का हाल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आंखें मतारा तारा तमाम मजाज के 9वें घर में रहते हुए 12 फरवरी के बाद से ही जो है मुस्तकीम हालत में चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपके तालीमी मामला में जो हाल रुकावटें हैं कुछ दूर हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं अगर किसी की नहीं हुई है तो अभी तक, तो यकीन इन द एंड ऑफ दिस मंथ वो हो सकेंगी। आपके जो मौजूदा कारोबारी उमूर हैं उनमें आपके खिलाफ जो खुफिया किस्म की साजिशें करने वाले लोग थे, कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे थे, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जान छूट सकेगी, वो डोमिनेट हो सकेंगे। बैरून मुल्क सफर की कोशिशें थी, फिल वक्त कुछ कामयाब हो गई हैं और कुछ के लिए मेरा ख्याल है कि इन प्रोसेस होंगे आप, और यकीन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। 23 फरवरी को जोहरा मरीख करान की वजह से आपके ख्वाहिशात पूरी होने के साथ साथ मुखलिस दोस्त अहबाब जो है उनका साथ आपको हासिल रहेगा, और आपके समाजी उम्र जो है सोशल वर्क का आपका खास तौर पे या सोशल एक्टिविटी की खासी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हालत में आपके सामने आएगी। 24 और 25 फरवरी को जोहरा जोहल तसलीस के बाइस हालात के मुताबिक आपको अहम और मुस्तहकम फैसले पॉजिटिव फैसले भी करने हैं और बड़े सॉलिड किस्म के डिसीजन लेना है जो कि आपके फायदे में रहेंगे। कारोबारी मुआहदे भी कुछ इसी तरह की हालत में सामने आ सकेंगे, जबकि आपकी जो फर्जशनासी है और जिस तरह से आप अपने आप को लायबल समझते हैं और खासे आप अपने फराइज और ड्यूटीज के अंजामदेही में बड़े स्ट्रिक हैं, तो यकीन ये चीज आपको बहुत ज्यादा कामयाबी से अमदार करेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिप्लोमेटिक वे यूज करेंगे तो यकीन बहुत बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 फरवरी को आपकी आमदनी में जो इजाफा करने के लिए आपने जो कोशिश की होंगी यकीनन वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। 23 फरवरी को किसी सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 24 फरवरी को दूसरों के साथ मुतलका जो मामला है उनमें आपका असर रसूख बढ़ सकेगा। 25 फरवरी को आपके दोस्त अहबाब हैं या आपका हल्का अहबाब उसमें वसत पैदा हो सकेगी, कुछ नए दोस्त शामिल हो सकेंगे। 26 फरवरी को जो अफराद नौकरी की तलाश में सरगर्दा हैं काफी देर से लगे हुए थे यकीन उनको नौकरी बासानी मिल सकेगी। 27 फरवरी को बाद नई नई शराकत दारियां अमल में आ सकती हैं। 28 फरवरी को कोई नाखुशगवार खबर आपके लिए वक्ती परेशानी का बाइस बन सकती है, हिम्मत और हौसले से काम लीजिएगा, यकीन इसको आप ओवरकम कर सकेंगे। 1 मार्च को आपको अपने शराकती जो मामला लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ जो मामला चल रहे हैं या उस वक्त सूरत हाल के सामने आए उसमें आपको मुहतात रहना होगा, अपने आप को हालात की जो दबाव या गिरफ्त से अपने आप को बचाना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 25 और 26 फरवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा एक किताब से